हेलो, मेरे माँ बाप सगे हैं पर मज़ा नहीं आ रहा। मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते वो। अगर मैं पूरी ज़िंदगी मेहनत करके दिल्ली का सीएम बन जाऊँ ना, तो वो यूपी शिफ्ट हो जाएं। मैंने एक बार 5 दिन लगातार पौधे को पानी दिया और फिर नोटिस किया कि ये तो प्लास्टिक का है। मैं ध्यान नहीं देता। मैंने एक बेस्ट पता क्या करा हुआ है, जब मैं 8th में था, मैंने एक बार शगुन का लिफाफा गलत घर में दे आया था। शादी नहीं थी वहाँ। बताऊँ क्या हुआ, हमारे यहाँ पे ना एक आंटी रहती थी, उनका नाम है पिंटू की मम्मी। यार मेरे इतना ऐसे दिमाग है, मैं आंटी का नाम याद रखूँगा 13 का टेबल भूल जाऊँगा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि विमला की लड़की की शादी है, उनके घर पे शगुन दे के आ जा। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा यही विमला है, ये नहीं थी। मैं बताऊँ क्या सीन था, ये विमला घर, ये पिंटू का घर और यहाँ गोबर। ये लेके मैं निकला विमला के घर के बाहर, टेंट लगा हुआ है, डीजे बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और मैंने सोचा एक्सट्रोवर्ट्स। और मैंने क्रॉस करके उस घर का गेट बजाया जिसका गेट बंद है, लाइटें बंद है, क्योंकि पड़ोसी है ना। देखो पड़ोसियों में नहीं बनती, जिन जिन दो घरों की दीवार छू गई ना, उनके दिल नहीं छू सकते। आंटी ने गेट खोला, उनके हाथ में आटा है और उन्होंने नाइटी पहनी है, विच आई रियली लाइक्ड। समझ रहे हो तुम, यार अंदर से अंधेरा, यहाँ से लाइट, मतलब। मैंने उन्हें ऐसे दिया, मैंने कहा ये लो आंटी। कहती ये क्या है? मैंने कहा शायद सबसे पहले मैं ही आया हूँ। मैंने कहा आंटी शगुन। उनने मुझे 1 मिनट तक देखा और सोचा इसके माँ बाप क्यों पाल रहे हैं इसे, ये तो नर्सरी से ड्रॉप आउट लग रहा है, इसके तो बर्थडे पे भी खिचड़ी बननी चाहिए। मुझे कोई हिंट नहीं है कि घर सजा नहीं रखा। मैंने कहा लव मैरिज होगी। मैं जब वहां से जाते लगा ना, जैसे गेट बंद होते, मैंने देखा उनकी 9 साल की बेटी अंदर से पसीना पहुंचती है कि मेरी शादी तय कर दी क्या। और मुझे अब पता चल रहा है ये सरप्राइज अरेंज मैरिज क्या होता है। मम्मी कल तुमने पिकनिक की तो मना कर दी थी, आज ससुराल की हाँ कह दी। मैं वो करके घर पहुंचा, मम्मी कहती कि दे आया। मैंने कहा दे तो आया, तुम क्या कहती थी विमला बहुत पैसे वाली है, बारात का खाना खुद बना रही थी। कहती अच्छा। मैंने कहा और क्या, उनसे ज्यादा खर्चा तो पड़ोसी ने किया हुआ था। कहती ओ फिर तो उसकी उस दिन वाली चेन भी नकली ही होगी। इतने में हमारे घर का घंटी बजी, वो आई थी बालिका वधू। उसने मेरी मम्मी को पैसे वापस दिए, कहती ये लो मम्मी, ये लो आंटी। मम्मी कहती ये क्या है, कहती दूसरे बच्चे में इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच गाइज, माय नेम इज आशीष सोलंकी।